हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक डिज़ाइनर बैग लाए हैं जिसकी इनर पॉकेट आप देखिए काफ़ी बड़ी है। इसके अलावा ये इनर पॉकेट्स के दो इनर पॉकेट के अलावा पीछे एक जेब है, आगे हमने ये एक छोटी जेब जिसमें आप कोई पेपर्स रख सकते हैं, एक ये जेब जिसमें आप छोटा सा टिफिन रख सकते हैं, और दो जेब ये साइड में है। ये दोनों ही एक ही पॉकेट से जुड़ी हुई है। इस तरह से ये डिज़ाइनर बैग बहुत ही खूबसूरत है और बहुत है आसान बनाने में। चलिए इसको बनाने से पहले इसकी मेजरमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले हमें दो क्वेल्टेड पीस चाहिए हैं। ये हमारे 7.5x5 के हैं, ये देखिए 7.5 और ये 5, ऐसे दो पीस चाहिए हैं। इसके अलावा एक बड़ा पीस है, ये भी 7.6 का है, उससे बड़ा पीस है। ये हमारा 13.5 इंच का एक पीस है, ये 13x2 इंच के एक पीस है, इसमें का दो और चाहिए होंगे। ये हमारे चार पीस हैं, ये हमारे 13x4 के हैं, चार पीस हैं 13x4 के। इसके अलावा ये दो पीस हैं, ये 10x6 के हैं, ये दो पीस। दो बड़े पीस हैं, ये 18, इधर से देखिए ये 18 है, लगभग 18 है ये, और इधर से ये 8 इंच के हैं, ऐसे दो पीस हैं। इसके अलावा नॉन वोवन है, ये 7x6.5 है, एक और है ये 12x7.5 है, तीन ये नॉन वोवन के और बड़े पीस हैं। ये हमारे 15x10 इंच के हैं, ये तीन पीस हैं। और इसके अलावा हमारी ये चेन है, इसमें से तीन चेन जो है वो हमारी 8 इंच की है, ये तीन चेन 8 इंच की है, एक चेन हमारी 6 इंच की है, एक चेन हमारी 11 इंच की है, और ये दो चेन हमारी 14 इंच की हैं। इस तरह की दो चेन्स हैं। 13x2 के दो और पीस हमने जैसा आपको पहले बताया था वो हमारे ये हैं। एक और नॉन वोवन चाहिए, ये हमारा 8.5x5.5 है। ये कुछ वुडन बीट्स हैं, हम यहाँ डिजाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। टोटल 7 नंबर हमें चाहिए होंगे, तो 4 एक तरह के और 3 एक तरह, दो लास्टिक है 5 इंच की। इसके अलावा जिस कपड़े से बैग बना रहे हैं उसका पीसेस चाहिए होंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा 13x4 के 4 पीसेस थे उसे इस तरह से बीच से फोल्ड करके डबल करना है, ये देखिए, और फिर हमें 2 इंच के 3 मार्क लगाने हैं। तो हमने इसे डबल फोल्ड कर दिया, सबसे पहले खुली तरफ से 2 इंच इस तरह से मार्क करना है, फिर अपोजिट साइड में भी 2 इंच मार्क करना है सेम ऐसे ही, और बीचों बीच से भी हम 2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। ये इस तरह से 3 मार्क्स हो गए। अब इन दोनों मार्क को मिला देंगे हम, तो इस तरह से हमने इन दोनों मार्क को मिला दिया, और फिर थोड़ा सा गोलाई देते हुए सेकेंड थर्ड मार्क को भी यूँ मिला देंगे। अब इसे कट कर लेंगे और चारों पीस इसी हिसाब से ही हम बना लेंगे। ये ऊपर हैंडल के पास लगेंगे, तो अब हम इसे कट कर लेते हैं और चारों पीस फिर इसी तरह से हम बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा एक पीस, ये रेडी हो गया है, और इसी तरह का हमें 3 पीस और चाहिए। हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने 18x8 इंच का जो पीस था उसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है, और बीच का हम यहाँ पे मार्क लगा लेंगे, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के लिए प्लेट्स देनी है, तो हमने बीच का मार्क लगा लिया है ये। अब हमें क्या करना है, इधर से 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर 4 से 5 प्लेट्स देनी है। टोटल हमें यहाँ पर ये जो पीस बनाना है ये 13.5 इंच का लगभग पीस बनाना है, तो दोनों ही तरफ से ये देखिए इसके बराबर बनाना है। तो हम यहाँ पर भी मार्किंग बीच में कर ले रहे हैं जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना आए, ये बीच में मार्किंग। हमें यहाँ पे प्लेट्स देनी है और इतनी देनी है कि ये दोनों पीस बराबर हो जाए। तो हम यहाँ पे प्लेट्स देंगे, लगभग 1.5 इंच से ज़्यादा ही हमारी प्लेट्स होंगी, तो हम यहाँ पे 6 प्लेट्स देने वाले हैं। आगे और पीछे दोनों ही के पल्लों में हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और एकदम पतली पतली प्लेट्स बनाएंगे यहाँ पे। तो 6 इस तरफ और 6 उस तरफ, इस तरह से हमारी एक उसमें 12 प्लेट्स बनेंगी एक पल्ले में। तो आगे और पीछे दोनों के में हम इसी तरह की प्लेटें बना के सिलाई कर लेंगे, सीधी सीधी प्लेट्स बनानी है। हमने ये प्लेट्स बना ली हैं, 6 इधर बनाई है और 6 इधर, और दोनों ही पीस इसी तरह से हमने रेडी कर लिए हैं। ये दोनों पीस हमने लगभग इसके बराबर बना लिए, ये देखिए लगभग इसके बराबर हो गए। अब हम आगे के पीस को पहले बनाएंगे। उसके लिए जो हमारा 7x6 का पीस था उसे लेके ऊपर से थोड़ा सा हम गोलाई दे लेंगे जिससे हम आगे की पॉकेट बना पाए। तो हम यहाँ पर इसे लेकर डबल फोल्ड करके यूँ आगे गोलाई देते हैं, इस तरह आगे की जेब बनेगी। ये हमने गोलाई दे ली है। अब हम जहाँ से गोलाई दी है वहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और फिर हम एक सीधा कट मारेंगे। यहाँ पर हम चेन लगाएंगे, तो चेन वही 6 इंच की चेन लेंगे और चेन को इस तरह से उल्टा रखेंगे पीस पर, एक सीधी सिलाई देंगे, फिर पलट के दाब सिलाई दे देंगे, और फिर इसी चेन पे दूसरा पीस उल्टा रख के एक सीधी सिलाई फिर दाब सिलाई। इस तरह से ये पीस हमारा रेडी हो जाएगा। बीचों बीच में जो बीच में चेन आ जाएगी, अब हम चेन एक्स्ट्रा जो है उसे कट कर देंगे, और जो एक अस्तर हमने रखा था वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये हमने कट कर दिया, और जो छोटा अस्तर था उसे लगा के इसके चारों ओर सिलाई कर देंगे। चारों ओर सिलना है इस तरह से, अस्तर हमने चारों ओर जोड़ लिया है। अब एक्स्ट्रा की कटिंग कर लेंगे नॉन वोवन की, और ये जेब हमारी रेडी है। अब हमारे पास जो 13x2 का एक पीस था उसमें बीच का मार्क लगाएंगे, और इसे भी जेब में भी बीच का मार्क लगा लेंगे। 13x2 के पीस को इस तरह से एक साइड से डबल फोल्ड कर देंगे, क्योंकि एक एंड हमें मेन बॉडी पे जोड़ना है, उसे डबल फोल्ड करना पड़ेगा। इसके बाद ऊपर भी हम निशान लगा लेंगे। अब चेन के लिए हम लगा रहे हैं, और चेन को भी ऐसे डबल फोल्ड करके ऊपर की तरफ निशान लगा लेंगे, कतई हिले ना, इसलिए बीच में के मार्क हमने हर में लगा ले रहे हैं। ये चेन पर भी लगा लिया है और अपने 13x2 के पीस पर भी लगा लिया है। तो इस तरह से हमारा यहाँ से इसको मैच करके ही सिलना है। डबल फोल्ड कर देंगे एक साइड से, उसके बाद इस लाइन से इस लाइन को मैच करते हुए इस तरह से, और फिर मोड़ के इस तरफ से सिलेंगे। थोड़ा सा ऊपर बस हम खुला छोड़ देंगे, लगभग 1/2 इंच, और इस तरफ से भी इसको इस तरह से सिलेंगे, और फिर मोड़ के इधर सिलेंगे, और 1/2 इंच लगभग इधर भी छोड़ देंगे।
तो हमने इस तरह से आधा आधा इंच दोनों तरफ छोड़ के सिल लिया है। अब चेन उल्टी जो है माप पे माप मिलाकर यूँ सिलनी है, यहाँ तक हमें सिलनी है, और फिर जो एंड है थोड़ा सा जो खुला हमने आधा इंच छोड़ा था उसके साथ यूँ सिल देना है, जिससे ये चेन और ये पट्टी दोनों एक साथ हो जाए। और पूरे में हमें यहाँ पर चेन सिलना है, गोलाई में यूँ सीधी सिलनी है, और फिर जो बचा हुआ टुकड़ा है उसे जो खुला हुआ आधा इंच है उसके साथ ऐसे सीधा सिलना है। और इधर से भी यही करना है, यूँ सिलते हुए यहाँ आना है, थोड़ा सिलना है और आधा इंच जो बचा हुआ कपड़ा उसमें सिल लेना है। हमने चारों ओर से पट्टी और चेन इसमें जोड़ ली है। अब यहाँ दाब सिलाई चारों ओर से दे लेंगे जिससे फिनिशिंग अच्छी आ जाए। ये हमारी इस तरह से जेब सही हो जाएगी जब हम पूरी बैठा देंगे। इसके बाद जो हमने फ्रंट का पीस था उसको यहाँ एकदम जहाँ से हमने ये बनाई थी लाइंस उसके पास से एक लाइन यूँ खींच देंगे, दोनों ही तरफ प्लेट्स के एकदम पास में ही खींच रहे हैं। और यहाँ से हम अपने इस पीस को तीन भागों में डिवाइड कर देंगे। तो एक तरफ से इधर काटा, दो पीस मिल गए हमें, और फिर दूसरी तरफ से भी काट देंगे तो तीन पीस हो जाएंगे। और हर पीस के बीच में हमें ये चेन ऐड करनी है 8 इंच वाली। तो ये 8 इंच वाली चेन हम इस तरह से लेंगे, इस पर उल्टी चेन रखी सीधे कपड़े पे और यहाँ सिल लेंगे, फिर पलट के दाब सिलाई दे लेंगे। ये यहाँ पे यूँ सिल लेंगे उल्टी चेन रख के, फिर यूँ पलट के दाब सिलाई, और दोनों इस तरह से दोनों तरफ हमने चेन दोनों लगाई और फिर दाब सिलाई दे ली है। अब इसके ऊपर ये पीस रखेंगे जो हमने जेब के लिए बनाया है, और उसे बीचों बीच में पहले आप चाहे तो कच्चा सिलाई हाथ से कर लीजिए सुई धागे की मदद से, और उसके बाद पूरे में ऐसे मशीन चला दीजिए। अगर आप हाथ से सिलाई करेंगी तो फिनिशिंग अच्छी आएगी, आपका कहीं पे कुछ खिसकेगा नहीं। इसमें आप हाथ से ज़रूर सिलाई करके करिएगा अगर आपका हैबिचुअल नहीं है बैग सिलने के लिए, तो आप इसमें यूँ इस तरह से फोल्ड करके पूरे में सिलना है। हमने बीच में ये सिल लिया है अपना पीस, ये ऐसा दिख रहा है। अब हम इस फ्रंट पीस पे अस्तर जोड़ेंगे। ये 12 इंच वाला अस्तर है, उसे हमने इस तरह से रखा 12x4 ओर से इसे सिल देंगे जिससे ये जेब हमारी रेडी हो। नॉन वोवन जोड़ने के बाद ये जेब देखिए ऐसे रेडी हो गई है, दोनों तरफ से इसे यूज़ कर सकते हैं ये हमारी, और आगे भी ये सारी पॉकेट्स रेडी हैं। तो हम इसे बंद कर देते हैं अभी। तो इसके बाद इससे जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसे हमने ऐसे पट्टी बना ली है। ये 8x1.5 इंच की पट्टी है, इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके हमें सिलना है। ये इस तरह से सिलना है पतली पट्टियाँ 8x1.5 इंच की हमारी, ये दो पट्टियाँ हमें ऐसी चाहिए होगी। यूँ लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके अलावा 4x1 इंच की ये पट्टियाँ हमें चाहिए होंगी, 4x1 इंच की तीन पट्टियाँ। और ये हैंडल के लिए हमने 22x5 इंच का ये दो लिया है, और बीच में हम इसमें लगाने वाले हैं फोम शीट, तो इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, फोम शीट बीच में डालेंगे। सभी सिलाई हमने कर ली है इस तरह से। 8x2 की एक पतली जो है इसमें हम एक मोती पिरोएंगे, और पहले ही हमने एक तरफ नॉट लगा रखी है, फिर दूसरा मोती पिरो के और हम इस पट्टी को दूसरी तरफ से भी गांठ लगा देंगे। ये सिर्फ डिजाइनिंग के लिए पट्टी बनाई है, तो ये देखिए हमने यहाँ दूसरी तरफ से भी गांठ लगा ली। ये स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर खुल गई तो हमें दोबारा इसे लगाना है, स्ट्रांग चाहिए। इस तरह से एक बना लिया, ये दो हमें ऐसी बनानी है क्योंकि हमने दो पट्टी ली है, तो सब में हमें दो मोती यूज़ करने हैं। इसके अलावा जो छोटी वाली हमारी 4x1 की पट्टी थी उसमें हमें एक मोती यू पिरो के और यू रखाना है, ऐसे ही तीनों में हमें सेट करना है। ये यहाँ डिजाइनिंग के लिए लगने वाले तीनों पट्टी में हम ये मोती इस तरह से पिरोएंगे। ये हम बीच के मार्क पर एक लगाएंगे इस तरह से करना है कि मोती हमारा अच्छे से विजुअल हो, और इसके दोनों ओर 1-1 इंच की दूरी पे भी एक और लगाएंगे दोनों तरफ। तो ये हो गया डिजाइनिंग इस तरह से, और हैंडल हमने बना ही लिए हैं ये 22 इंच के। तो देखिए हमने तीन मोती यहाँ पे टाक लिए हैं सिलाई करके अच्छे से। अब ये जो हमने सबसे पहले कटिंग जिस कपड़े की थी उसे इसके ऊपर चेन हम नीचे कर लेते हैं उल्टा रख के, और फिर हम सीधी सिलाई यहाँ पे दे के फिर दाब सिलाई देंगे। तो पहले ये सीधी सिलाई देंगे, देखिए इस तरह से हमने सीधी सिलाई दे ली है, इसके ऊपर दाब सिलाई हमें देनी है, बहुत अच्छा लुक आने वाला है। और यहाँ जो हमने ये लिया था एक छोटा और एक बड़ा मोती इस तरह से लाइन करके यहाँ पे टॉप पे जोड़ लेना है दोनों तरफ। हमने दाब सिलाई दे ली है और ये मोती दोनों तरफ जोड़ लिए हैं। आगे के पल्ले के बाद हम पीछे के पल्ले को करेंगे तैयार। तो हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे, और लगभग ऊपर से 2 इंच नीचे हम एक कट लगाएंगे यहाँ से 2.5-2.5 इंच का। ये देखिए 2.5 इंच का हमने एक निशान लगाया ये यहाँ पर, और इस पर कट कर लेंगे। ये देखिए 2 इंच नीचे है ये निशान, तो हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे, सीधी कटिंग करेंगे और एंड से थोड़ा पहले वी नॉच लगाएंगे। ये देखिए हमने कटिंग की, और फिर एक बार इधर से थोड़ा सा कट किया और एक बार इधर से। हम यहाँ विंडो पॉकेट लगाने वाले हैं, तो इस तरह से हमें बीचों बीच में कट कर लिया है। ये बराबर होना चाहिए, ये खास बात है। ये हमने कट किया है, पीछे मोड़ के जो हमारा रबर शीट और अस्तर है यानी हमारा नॉन वोवन है, इसे हम लगभग 1/2 इंच का काट के अलग निकाल देंगे। मेन फैब्रिक नहीं कटना चाहिए, सिर्फ ये अस्तर और नॉन वोवन का फैब्रिक हमारा काट देंगे हम लगभग 1/2-1/2 इंच दोनों तरफ से। ये इसलिए क्योंकि हमें विंडो पॉकेट बनानी है और अपना मेन फैब्रिक पीछे की तरफ फोल्ड करके उस पर सिलाई देनी है। तो जब हम ये नहीं कट करेंगे तो बहुत मोटा सा अजीब सा दिखेगा, इसलिए हमने कट कर दिया। और फिर मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ मोड़ के चारों ओर से हमें इस पर सिलाई करनी है। जो वी नॉच हमने दोनों साइडों में ली थी उसको भी हम नॉन वोवन और ये रबर शीट कट कर देंगे, और मेन कपड़े को पीछे की तरफ करके चारों ओर इसमें सिलाई देंगे। साइडों पे हम 2-2, 3-3 बार सिलाई कर देंगे जिससे पक्का हो जाए इस तरह। ये देखिए हमने एक विंडो पॉकेट तैयार कर लिया इस तरह से, देखिए एकदम परफेक्ट आई है। अब जो 6 इंच वाली चेन थी उसे इस तरह से रख के हम चारों ओर से इस पर सिलाई कर लेंगे जिससे ये फिक्स हो, ये फिक्स हो गई इस पर। अब जो हमने लंबा वाला 8 इंच का एक अस्तर कट किया था लंबाई में, इसको इस तरह से रखेंगे और
चारों ओर से सिलाई कर देंगे, जिससे जेब रेडी हो जाए हमारी। हमारा पीछे का पल्ला भी रेडी है। अब हम इस पे जो हमने फर्स्ट टाइम कटिंग की थी वो पीस रख के इस पे एक सीधी सिलाई देंगे और फिर पलट कर दाग सिलाई जैसे आगे के पल्ले में दी थी वैसे दे लेंगे। ये हमारा आगे का पल्ला है। अब हम इसमें हैंडल अटैच करने वाले, तो हैंडल पे हमने पहले से मार्क कर लिया है लगभग एक एक इंच की दूरी पे, जिससे कि हमें दिक्कत ना हो कि कहाँ तक जोड़ना है। वो मार्क से हमने इसके ऊपर रखा और जो तीसरा पीस हमारा ये वाला कट वाला था वो इसके ऊपर यूं रखना है और फिर जो पहला पीस नीचे की तरफ लगा है उसके साथ साथ हर तरफ से सिलाई करनी है, ये और फिर ऐसे गोलाई में यहाँ तक ऐसे और यहाँ पूरे में सिलना है, जिससे हमारा हैंडल भी अटैच हो जाएगा। पीछे का पल्ला हमने रेडी कर लिया है, ऐसे ही करना है, पलट के दब सिलाई भी दे देनी है, ऐसा लुक आएगा आगे की तरफ भी। हमने तीन ओर से इस तरह से सिल दिया। अब हम इसे पलटेंगे, हमारा इसमें हैंडल भी अटैच हो रहा है, हैंडल से थोड़ा सा खींच के इसे हम पलट देंगे और फिर हम इस पर दाब सिलाई दे लेंगे हर तरफ, जिससे ये डिजाइन और पूरी ये चीज बैठ जाएगी। हम पहले ही हाथ की मदद से सारे कोने वाले स्ट्रक्चर्स बाहर अच्छे से फैला लेंगे और फिर दाब सिलाई इसके ऊपर देंगे, जिससे कि ये लुक बढ़िया आ जाए। पूरे में ऐसे दाब सिलाई देंगे, पीछे भी ऐसे किया। इस तरह से आगे का पल्ला भी रेडी हो गया और पीछे का भी, दोनों पल्ले हमारे रेडी है। अब हम साइड की पॉकेट बनाएंगे, तो जो हमारा 7x5.5 के दो पीस थे उसमें ये 10x6 के दो पीस यूँ इस तरह से जोड़ेंगे। तो हम इसमें 5 इंच की जो हमारी इलास्टिक है वो इस तरह से डबल फोल्ड करके, देखिए हम क्या करेंगे, इसे डबल फोल्ड करेंगे और अंदर इलास्टिक रखेंगे और इस तरफ यूँ करके इलास्टिक हम सिल नहीं रहे, इधर से पहले बस सिलेंगे और पूरे में इलास्टिक गुजारते जाएंगे, इलास्टिक को खींच के एंड में भी एक बार लॉक कर देंगे। तो इस तरह से हमारे दो पॉकेट हमें रेडी करने हैं इन दोनों पे। देखिए हमने ये दो पॉकेट रेडी कर लिए, इलास्टिक इसमें पड़ चुकी है, ये देखिए इलास्टिक को थोड़ा सा खींच के हम एडजस्ट कर देंगे। अब 7x5.5 इंच के कपड़े पे इसे इधर यूँ सिलना है, फिर यहाँ नीचे की तरफ 5 प्लेट्स देनी है। 5 प्लेट इसलिए देंगे तभी डिजाइन ये अच्छा लुक आएगा। तो यहाँ 5 या 6 आपको जितनी भी लगे ये इसी के बराबर कर देना है, तो ऐसे प्लेट्स डाल के बराबर कर लेंगे और फिर दूसरी तरफ भी यूँ सीधी सिलाई देंगे दोनों पीस। ये हमारी साइड पॉकेट ऐसे लुक देंगी, ये बहुत ही खूबसूरत से बनकर रेडी है। अब 13x5 इंच का जो पीस था उसमें इसको इस तरह से दोनों तरफ से सिलकर दाब सिलाई देंगे दोनों तरफ से। देखिए हमने दाब सिलाई दोनों तरफ दे दी और ये इस तरह से नीचे का और साइड का फ्लैप तैयार है। अब आगे वाला पल्ला इसमें लेना है, याद रखिए, और इसे इस तरह थोड़ा सा लगभग आधे इंच छोड़ते हुए यूं सिलना है और फिर नीचे ये जेब वाला हिस्सा साइड में जुड़ेगा, ये यहाँ आधा इंच छोड़ते हुए सिलना है। याद रहे सिर्फ ये हिस्सा आधा इंच इसलिए छोड़ रहे हैं कि उसमें अस्तर जोड़ सके। तो ये इस तरह से जोड़ दिया है। अब पीछे का पल्ला लेके इसी तरह सेम सिलना है, आधा इंच यहाँ पे सिलाई छोड़ते हुए पूरा यूं सिलते हुए जाएंगे, यहाँ भी आधा इंच हम छोड़ देंगे। इस तरह से ये हमारा बन के तैयार होगा। ये उल्टा है, हम आपको अभी बस थोड़ी देर के लिए सीधा करके दिखाते हैं, क्योंकि अभी हमें इसमें इनर जोड़ना है, तो इनर हमारा उल्टे हिस्से से ही जुड़ता है, तो वो उल्टा करके ही हमें जोड़ना होगा। तो अभी आप पहले सिर्फ इसे देख लीजिए कि सीधा ये कैसा दिखता है। तो ये इस तरह से दिखता है हमारा, ये देखिए बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है। अब इनर इसमें जोड़ना है, तो सबसे पहले जो इनर के लिए अस्तर था उस पे ये 13x9 का है, उस पे एक चेन रखनी है और यूं सीधी सिलाई देनी है एक पीस पे, इस तरह चेन जोड़नी है। एक अस्तर को इस तरह चेन से अटैच कर दिया है। अब दूसरा अस्तर लेंगे और यही चेन इसके ऊपर सीधी रख के इस पे भी एक बार सीधी सिलाई दे लेंगे। अस्तर के ऊपर सीधी चेन यूं रखनी है और यहाँ पर भी एक सीधी सिलाई दे देनी है। तो हमारे दो अस्तर और एक चेन हमने यूज कर लिया इस तरह से। अब दूसरी चेन लेंगे और ये जो पहली चेन है इसी के ऊपर एकदम मिला के रख लेंगे और इसके अलावा एक पट्टी 1 इंच की हमने कट करी है, 8x13 इंच की, वो भी इसके ऊपर डबल फोल्ड करके रख देंगे। देखिए चेन पे चेन रखी हमने एक साइड से, ये देखिए पहले चेन पे यूँ चेन रखनी है और डबल फोल्डेड पट्टी इसके ऊपर एक साइड से रखनी है और यहाँ सीधी सिलाई देनी है। ये चेन दोनों चेन के बीच का गैप दिखाएगी इस तरह से, यहाँ पे डबल फोल्ड, दोनों चेन जुड़ गई है और बीच में हमारा डबल फोल्डेड कपड़ा भी है। अब इस डबल फोल्डेड कपड़े को एक बार और फोल्ड कर लेंगे, जिससे कि रॉ एजेस पूरी छुप जाए और इसके ऊपर यूं एक सिलाई दे देंगे। तो दोनों चेन जुड़ जाएंगी और बीच में कपड़ा आएगा। चेन जुड़ने के बाद और कपड़ा डबल फोल्ड होने के बाद ऐसा दिखेगा ये। अब हमें जो तीसरा अस्तर का टुकड़ा था हमारा 13x9 का, वो दूसरी चेन के ऊपर इस तरह से चेन रखनी है उसके ऊपर और यहाँ पर एक सीधी सिलाई देनी है। तो ये तीनों अस्तर इसमें जुड़ चुके हैं, दोनों चेन भी ये जुड़ गई हैं। अब हम जो 13x2 के दो पीस बचे थे हमारे, वो इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखना है चेन के ऊपर और यहाँ पर सीधी सिलाई देनी है हमको और दाब सिलाई नहीं देनी है यहाँ पे। ये सीधा सिल के एक टुकड़ा यूं जोड़ेंगे और दूसरा टुकड़ा भी उल्टा रख के दूसरी चेन पे सिल लेंगे। तो दोनों तरफ हमने फ्लैप जोड़ दिए हैं, ये ऐसा लुक आ रहा है। अब थोड़ा सा बराबर करते हुए तीनों अस्तरों को हम यहाँ तक सिलेंगे, एकदम ऊपर तक नहीं सिलेंगे कि ये सीधा हो पाए, ऐसा तक सिल देंगे और यूं पूरा दोनों तरफ हम थोड़ा थोड़ा अस्तर छोड़ते हुए सिल देंगे नीचे तक बराबर करके तीनों अस्तरों को। तो ये हमें दोनों तरफ से सिलने हैं अपने अस्तर यूं सीधे। ये हमारा इनर पार्ट भी रेडी है। अब आउटर पार्ट हमने उल्टा किया है और ये भी उल्टा है। साइड वाला जो फ्लैप है उसमें हम साइड ये जोड़ेंगे और अस्तर को अंदर की तरफ यूं ढकेल देंगे, ढकेलते हुए यूं दबा के यहाँ साइड जो आधा इंच हमने छोड़ा हुआ था उसके साथ हम सिलेंगे। जितना हमने छोड़ा था वो पूरा सिल लेंगे हम यहाँ पे, यूं साइड दोनों तरफ से हमें सिलना है। इसीलिए हमने शुरू में आउटर पोर्शन में आधा आधा इंच दोनों तरफ छोड़ रखा था, तो उसमें हम अस्तर को अंदर ढकेलते हुए सिल दिया हमने और हमने एक तरफ से सिल के आपको दिखा रहे हैं, ये एकदम बढ़िया से लुक आता है। अब दूसरी साइड भी हम ऐसे ही दोनों तरफ जुड़ गए हैं अस्तर और ये बैग। अब हम बैग को यूं अस्तर पीछे की तरफ ढकेलते हुए सीधा कर लेंगे, ये देखिए धीरे से सीधा हो गया। तो हाथ की मदद से जितने भी कॉर्नर्स हैं उसे अच्छे से हम बाहर को
पुश करेंगे जिससे कि वो बाहर आ जाए और अस्तर इसके अंदर इस तरह से बैठ पाए। तो ये अस्तर इसके अंदर हमने बैठा दिया है। अब आपको बता दें, अस्तर को इस तरह से एक बार फोल्ड करते हुए ये जो आउटर पोर्शन का फ्लैप ये दिख रहा है इसके ऊपर सिलना है। अस्तर को डबल फोल्ड करना है और धीरे धीरे, चाहे तो आप एक बार पहले कच्ची सिलाई कर लीजिए, क्योंकि अगर ये जरा सा भी फिसला या बाहर की तरफ से उल्टी नीची सिलाई हुई तो वो खराब लगता है। तो हमें ये इसके ऊपर सीधी सिलाई देते हुए एक बार पहले, आप चाहे पिन की मदद से अटैच करके सिले चाहे ऐसे ही सिले, लेकिन एक बार आप जरूर, अगर हैबिचुअल नहीं है तो इसको फोल्ड करके सिलने से पहले जरूर हाथ से मदद लीजिए। हमने ये जोड़ दिया है फोल्ड करके, ये पूरा बैग का लुक ऐसा आया। ये देखिए बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है चेन की। ये चेन के अंदर पॉकेट हमारी खुली हुई थी अभी तीनों की तीनों, उसे हम बाहर निकालेंगे चेन खोल के और फिर अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ये देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे जिससे नॉन वोवन का रॉ एजेस पूरे अंदर चले जाए और यहाँ पे हम एक सीधी सिलाई दे देंगे जिससे हमारी जेबें अंदर से रेडी हो जाएंगे। तो सीधी सिलाई के साथ हमारा ये बैग कंप्लीट होगा। ये सीधी सिलाई हो गई, इसे अंदर करते हैं, ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो रेड रंग का सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।